तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो हम आज बात करने वाले हैं कि हम जो भी हमारे कूलर की मोटर होती है वो 4 वायर और 2 वायर वाली मोटर होती है, उसके कनेक्शन कैसे करेंगे और पंप के कनेक्शन कैसे करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो शुरू से अंत तक ये वीडियो को ज़रूर देखें। और मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उस पर मैंने बताया था कि कूलर की वायरिंग कैसे करते हैं, तो उसका मैंने डायग्राम नहीं बताया था आपको। तो मैं ऐसी वीडियो में मैं आपको डायग्राम बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 वायर, कूलर मोटर कनेक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 वायर कूलर मोटर कनेक्शन। तो अभी इसका हम देखते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझे कि हमारे पास एक सेमी मोटर है, तो ठीक है, मैं आपको एक सेमी मोटर में 4 वायर होते हैं, तो मैं आपको उसका एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। अभी मान लीजिए कि हमारे पास ये मोटर है, ये वाली हमारी मोटर है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ सेमी मोटर, ठीक है। सेमी मोटर ये हो गई हमारी, और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ पंप हमारा, तो उसी के नीचे में जो हमारा होगा वो पंप होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पंप, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पंप। अभी मान लीजिए हमारा अभी पंप के 2 वायर होते हैं, तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 वायर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फेस, लीड वायर जो होता है मैं उसके बना दे रहा हूँ, ठीक है। रेड कलर का जो वायर होता है वो फेस होता है, फिर दूसरा आता है ब्लैक वायर जो कि हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल वायर। फिर तीसरा वायर होता है ग्रीन वाला जो कि हमारा अर्थिंग वायर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अर्थ लिख देता हूँ, ठीक है, ये अर्थिंग वायर हमारा हो गया। अभी मान लीजिए कि हमारे मोटर में सेमी मोटर जो होती है उसके 4 वायर होते हैं, तो 4 वायर कैसे क्या होते हैं उसके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कौन कौन से कलर के वायर होते हैं तो मैं इसको आपको पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको इस पर। तो ठीक है, हमारे उस पर होता है एक कॉमन वाला वायर, जो कॉमन वाला वायर जो होता है वो ब्लू वायर होता है, ठीक है। जो ब्लू वायर होता है वो कॉमन होता है इस पर, ठीक है। और एक रेड वाला होता है जो कि स्पीड के लिए होता है, 3 वायर इस पर स्पीड के लिए होते हैं, रेड ब्लैक और वाइट वाला वायर होता है। तो वाइट वाला हमारे पास मार्कर नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस कलर से बना देते हैं, ठीक है। इस कलर से हमने बना दिया। अभी हमें सबसे पहले कनेक्शन कैसे क्या करना है, अभी मान लीजिए कि आपके पास रोटरी स्विच है, ठीक है। तो मैं रोटरी स्विच यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ। रोटरी स्विच को 4 कनेक्शन होते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, और इस पे स्पीड 3 स्पीड होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन वायर है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन वायर को हम न्यूट्रल में जोड़ देंगे, ठीक है। हम कॉमन वायर को न्यूट्रल में जोड़ देंगे, यहाँ से कनेक्शन लेके न्यूट्रल में जोड़ देंगे, ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर और हमारे पंप के आते हैं वायर, पंप के 2 वायर होते हैं रेड और ब्लैक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पंप का वायर है उसका एक वायर हम क्या करेंगे, इसका जो न्यूट्रल है हम वो न्यूट्रल पे जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा पंप का वायर, ये हमने न्यूट्रल में जोड़ दिए, ठीक है। अभी आते हैं हम रोटरी के कनेक्शन की तरफ। अभी तो हमने न्यूट्रल न्यूट्रल दोनों के जोड़ दिए, तो हम क्या करेंगे, अभी हमें फेस जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो फेस का जो आया हुआ है वायर, हम उसको क्या करेंगे, हम जो स्विच का जो कॉमन होगा रोटरी स्विच, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रोटरी स्विच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन वाला होगा वहाँ पे वायर, तो हम उसको उसका कनेक्शन यहाँ से लेंगे, और हम उसका यहाँ से कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो अभी इसको फेस मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे जो स्पीड है मीडियम लो और हाई, तो हम मीडियम जो होता है, जो हाई वाला होता है वो वाइट वाला होता है, तो हम क्या करेंगे,
ये जो वाइट वाला वायर है इसको हम इस आखिरी वाले पिन में जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा ये वायर जुड़ गया। और ब्लैक वाला वायर है जो मीडियम वाला होता है हम उसको यहाँ जोड़ देंगे, और जो रेड वाला वायर होता है हम उसको इस पिन में जोड़ देंगे। तो मतलब हमको हमें क्या मिल गया है, यहाँ से हमारा जो तो न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ से हमें फेस मिल रहा है तीन। इसको जब भी हम इसको स्विच घुमाएंगे तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरा स्विच घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और फिर तीसरा स्विच घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे स्पीड में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे इसको मोटर का कनेक्शन हो गया है, सेमी मोटर का कनेक्शन। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा पंप है उसको ऑपरेट करना है। अभी पंप को हमारा फेस मिला नहीं है तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमको पंप में फेस मिला नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वन वे स्विच लगा देंगे। जहाँ भी आपको सूटेबल हो वहाँ पे आप वन वे स्विच लगा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वन वे स्विच लगा दिया और इसको फेस दे देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम इसको फेस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको फेस दे दिए। अभी ये हो गया हमारा मोटर के कनेक्शन हो गए, जैसे कि आपको पूरा समझ गया होगा। तो अभी हमें अर्थिंग ही जोड़ना है, तो अर्थिंग हम कहाँ पे अर्थिंग जोड़ेंगे, तो देखिए ये हमारी कूलर की बॉडी समझिए या मोटर की बॉडी समझिए, हम क्या करेंगे, ये इससे अर्थ है, हम कोई भी बॉडी में एक अर्थ लगा देंगे। या तो आप कूलर की बॉडी में लगाइए अर्थ, या फिर आप मोटर की बॉडी में अर्थ लगाइए। अब जहाँ भी अर्थ लगाएंगे तो पूरी बॉडी में अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर वायर कूलर मोटर कनेक्शन की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और टू वायर कूलर मोटर कनेक्शन की तरफ। तो टू वायर मोटर कनेक्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले। ठीक है, टू वायर कूलर मोटर कनेक्शन, हम क्या करेंगे अभी उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम तीन वायर यहाँ छोड़ देंगे। तो मैं वैसे जब हम तीन वायर यहाँ पे छोड़ देंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मैं इसको लाइन खींचते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फेस वायर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेस। ठीक है, हम ये फेस वायर हमने निकाल दिए, हमने यहाँ से फेस वायर निकाल दिए। ठीक है, अब हम न्यूट्रल वायर लेंगे, न्यूट्रल वायर लेंगे, तो न्यूट्रल वायर भी हमने यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया। अब हमारी बारी है ग्रीन वायर की, जो कि हमारा अर्थिंग वायर होता है। तो मैं यहाँ पे अर्थ लिख दे रहा हूँ, ये अर्थ वायर हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अर्थ वायर यहाँ से यहाँ तक लेके चले जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं दो वायर वाली, या आपकी जो एग्जॉस्ट मोटर होती है, या आप सेमी मोटर में भी दो वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ आप कोई भी लीजिए वायर से, लेकिन ब्लू वाला वायर ज़रूर लीजिएगा इस पर, जो कि हमारे सेमी मोटर का हमने बताया गया। आप इनमें से कोई भी एक वायर ले सकते हैं, लेकिन तीनों को कॉमन नहीं करना है, आप ये ध्यान रखिए, जिस नहीं तो मोटर शॉर्ट हो जाएंगी आपकी। तो हमारा जो ब्लू वाला वायर है वो कॉमन वायर होता है, जो कि हमें वहाँ से न्यूट्रल देना होता है। ठीक है, फिर हम फेस इस स्विच से दे देंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप फेस कभी भी स्विच से ही देना। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक मोटर बनाएंगे, जो दो वायर वाली जो मोटर होती है वो मोटर बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये मोटर बना दी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोटर। ठीक है, अब ये मोटर लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसके भी दो वायर होते हैं, एक तो रेड वाला वायर होगा और दूसरा ब्लैक वाला वायर होगा। ठीक है, और हम उसी तरह पे हम क्या करेंगे, अभी एक पंप बना देंगे बाजू में, उसी के बाजू में पंप बना देंगे। ये पंप बना दिया यहाँ पे, उसके भी हमारे दो वायर होते हैं, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला, मतलब दो वायर होते हैं। आपको जैसे सूटेबल हो आप वैसे वायरिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको रेगुलेटर लगाना है इस पर, ठीक है, तो रेगुलेटर लगाना है तो रेगुलेटर लगाइए, या आपको स्विच लगाना है डायरेक्ट करना है तो आप स्विच लगाइए। ठीक है, तो मैं आपको यह बता देता हूँ रेगुलेटर कैसे लगा देते हैं। अगर आपको यह रेगुलेटर लगाना है तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर रेगुलेटर का सिंबल बना देता हूँ, ये रेगुलेटर का सिंबल है। ठीक है, वेरिएबल का सिंबल है, वेरिएबल रेगुलेटर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसके कनेक्शन कर दिए, रेगुलेटर का सिंबल है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर मैंने लिख दिया यहाँ पे।
और फिर हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाला वायर है हम इसको भी इसी के ये ब्लैक वाले वायर के साथ लीड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमने वो कनेक्ट कर दिया, तो हम जब भी रेगुलेटर घुमाएंगे या ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई आ जाएंगे और यहाँ से रिटर्न चला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से सप्लाई आ रहा है, यहाँ से यहाँ सप्लाई आ रहा है, लेकिन ये ऑन नहीं है रेगुलेटर। जब ऑन होगा तो सप्लाई यहाँ पे आएगा, फिर ये सप्लाई घूम फिर के कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा और यहाँ से सप्लाई रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका कनेक्शन, मोटर का कनेक्शन। अगर आपको यहाँ स्विच लगानी है तो आप ये रेगुलेटर के पहले यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं पंप की तरफ। अगर पंप में हमको स्विच लगाना, तो हम क्या करेंगे, ये पंप के साथ में एक स्विच यह लगा देंगे। ये पंप के साथ में हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, ये स्विच लगा दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पंप को हमें अभी फेस देना है। तो हम जो यहाँ पर रेड वायर है हमारा लीड, 3 पिन लीड का वायर, यहाँ से इसको फेस दे देंगे। ये फेस देने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा अभी एक वायर और बचा है, तो इससे हम क्या करेंगे, तो यहाँ से न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हम इसको पंप को जोड़ देंगे। मतलब पंप को न्यूट्रल भी मिल गया और यहाँ से फेस भी मिल गया। इतनी आसान वायरिंग होती है, तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया हो कि यहाँ पे मैंने स्विच नहीं लगाई है, सिर्फ रेगुलेटर लगाया। अगर स्विच के साथ कनेक्शन करना है तो वो भी मैं आपको नीचे करके बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये हमारा हो गया, अभी हमारा सब कनेक्शन तो हो गया, लेकिन हमने अर्थिंग नहीं जोड़ा। तो अर्थिंग हमें कहाँ जोड़ना चाहिए, जहाँ पे हमारे मोटर की बॉडी है, एक तो वहाँ पे जोड़ी है, या हमारे कूलर की बॉडी है वहाँ पे जोड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अर्थ जोड़ देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे अर्थ जोड़ दिए, ये हमारे हो गए रेगुलर के साथ के कनेक्शन। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको स्विच और रेगुलेटर दोनों के कनेक्शन करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी मोटर बना दे रहा हूँ एक, ये हमारे मोटर है, आप इस पे एग्जॉस्ट मोटर भी लगा सकते हैं इस कोई मोटर की जगह, और आप इस मोटर की जगह फ़ैन भी लगा सकते हैं, जो सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन सेम कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो हम अभी समझे कि हमारे यहाँ पे दो वायर निकल गए यहाँ पे, ठीक है, और रेड और ब्लैक ये दो वायर निकल गए हमारे। अभी हमें यहाँ पे रेगुलेटर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, रेगुलेटर, रेगुलेटर का सिंबल मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, रेगुलेटर का सिंबल बन गया हमारा, फिर हमें ये तो बन गया रेगुलेटर, रेगुलेटर मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और हमें यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें स्विच लगाना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, और ये कनेक्शन हम कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पे हमारा फेस है, यहाँ पे दिख रहा है हमारा फेस, तो हम उसे फेस में यह जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से वायर या फेस पे जोड़ सकते हैं। फिर हमारा बारी आती है न्यूट्रल की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर जोड़ देंगे और यह वायर हम न्यूट्रल में इस ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे ऊपर में। तो ये हो गई हमारी वो वायरिंग की डायग्राम। तो आपको वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिनको ऐसी वीडियो पसंद आती है उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल की पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, नए नए कंटेंट मिल जाएंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी के कंटेंट मिल जाएंगे चैनल पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।